temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit throughout history, God has always had one prime important thing in his mind. पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही मुख्य बात उसके मन में रही है. And that is the salvation of mankind. और वो तो मनुष्य जाति का उद्धार ही है. God's heart is to save man from their sins. परमेश्वर का दिल जो है यही तो चाहता था कि मनुष्य जाति को उनके पापों से वो छुड़ाए. God created man, the Bible says around 6000 years ago. बाइबल जिस तरह से कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है लगभग 6000 साल पहले बनाया, इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. And the first man, his name was Adam. God made him from the clay of the earth. और पहला मनुष्य जिसका नाम आदम था, परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से बनाया था, उसने उसे भूमि की मिट्टी से रचा था. And he made a woman from the rib of Adam and called her name Eve. और उसने आदम की पसली में से एक स्त्री को बनाया और उसने उसका नाम हव्वा रखा, इस तरह से बाइबल बताती है. And he put them in a garden called the Garden of Eden. और उसने उन्हें अदन नाम की वाटिका में रख दिया. And he told the man and the woman, do not eat of one tree in the garden, but you can eat of all the other trees. और उसने मनुष्य से कहा कि इस वाटिका के सारे पेड़ के फल तुम बेखटके खा सकते हो, लेकिन ये जो एक पेड़ का फल है इसे तुम कभी भी मत खाना. And Adam knew that he should not disobey God. आदम जानता था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को भंग नहीं कर सकता है. One day, और फिर एक दिन, the Satan came into the garden in the form of a serpent. शैतान जो है वहाँ पर उस वाटिका में एक सर्प के रूप में आया, वो उनके पास में आया. And that serpent deceived Eve. और उस सर्प ने जो है हव्वा को भरमाया, इस तरह से बाइबल कहती है. And she disobeyed. She knew that God said, "Do not eat the fruit; otherwise, the day that you eat, you will die." She knew that commandment of God. वो तो परमेश्वर की आज्ञा को जानती थी कि जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे, उस दिन तुम निश्चय ही मर जाओगे. वो इस बात को जानती थी, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा भंग की. But Satan deceived her and said, "God didn't tell you the truth. You will not die, but you will become like God." लेकिन शैतान ने उसे वहाँ पर भरमाते हुए कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें पूरी बात सच नहीं बताई है. सच तो यह है कि ये फल खाने के बाद में तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे. And she took the fruit. और फिर उस समय हव्वा ने उस फल को ले लिया. She ate the fruit and she gave her husband. He also ate the fruit. उसने उस फल को लिया, उसने वो फल खाया, अपने पति को दिया और उसने भी उस फल को खा लिया. And they both fell away from the presence of God. और वो दोनों के दोनों परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए. Now we come to the topic what I'm going to speak on today is called the rod of Moses. आज हम यहाँ पर इस विषय पर आए हैं. मेरे आज के संदेश का शीर्षक है मूसा की लाठी. This story is found in the book of Exodus chapter 4. और ये जो कहानी है ये तो निर्गमन अध्याय 4 में पाई जाती है. In this chapter we find three signs that God gave Moses. यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को तीन चिन्ह दिए थे. परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी. Now the background of the story is, I'll give you the background. अब चलिए इस कहानी की पृष्ठभूमि में आपको यहाँ पर कुछ शब्दों में बताऊं. The people of Israel had been enslaved in Egypt for 450 years. और जो इस्राएली लोग थे वो तो मिस्र में लगभग 450 साल तक गुलामी में थे. वो वहाँ पर गुलाम थे. And now the time had come that God wanted to deliver the people of Israel from Egypt. और अब समय आ चुका था और परमेश्वर चाहता था कि वो इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा दे. And because they were in slavery, they were in heavy bondage. वो तो गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे और उनके ऊपर बहुत से बंधन थे. And their cry came up to God. और उनकी पुकार जो है वो परमेश्वर तक पहुंची. And God sent a man called Moses and said, "You go to Egypt and bring my people out of Egypt." और परमेश्वर ने मूसा नाम के व्यक्ति को भेजा और कहा कि तुम मिस्र में जाओ और वहाँ से मेरे लोगों को तुम वहाँ पर मिस्र में से बाहर निकाल कर लाओ. He said, "You go to Pharaoh and tell him that I want my people to come out of Egypt." उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिरौन के सामने जाओ और उससे ये कहना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को तू यहाँ से जाने दे. But Moses said, "If I go, they won't believe me."
मूसा ने कहा यदि मैं वहां पर जाऊं तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। And then God gave him three signs. और फिर परमेश्वर ने उसे वहां पर तीन चिन्ह दिए, इस तरह से बाइबल हमें बताती है। And in these three signs, और इन तीन चिन्हों में you find the heart of God. यहां पर आप परमेश्वर के दिल को देख सकते हैं। You find the plan of God to save mankind. मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसे आप यहां पर देख सकते हैं। In these three signs, इन तीन चिन्हों में you find the fall of man. आप यहां पर मनुष्य के पतन को देख सकते हैं। The plan that God had to bring him back. और मनुष्य को वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर की जो योजना थी उस योजना को भी देख सकते हैं। And what Jesus has done for us. और यीशु ने हमारे लिए क्या किया उसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। We'll come to that passage now. अब हम यहाँ पर इस वचन के भाग को देखते हैं। The book of Exodus chapter 4, 1-4. निर्गमन की किताब अध्याय 4 वचन 1-4 तक हम देखते हैं। In the first verse it says, and Moses answered and said, behold, they will not believe me or they will not hear my voice. For they will say, the Lord has not appeared to you. वचन एक इस तरह से कहता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया, इस तरह से इस्राएली लोग मुझसे कहेंगे। And the second verse says, and the Lord said unto him, what is in your hand? And he said, I have a rod. वचन दो इस तरह से कहता है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी है। इस तरह से बाइबल हमें यहाँ पर बताती है। Three says, and he said, cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled before it. और वचन तीन कहता है उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। The fourth verse says, and the Lord said unto Moses, put forth your hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod again in his hands. वचन चार और पांच कहता है तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूछ पकड़ ले, और जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। ये वचन इस तरह से कहता है। We will see this first sign today. आज हम इस पहले चिन्ह के बारे में देखने वाले हैं। It shows the fall of man. ये तो मनुष्य के पतन के बारे में हमें बताता है। In those days, the people, the shepherds and many people used to have a rod in their hand. उन दिनों में जो चरवाहे लोग थे और जो बाकी लोग थे वो अपने हाथ में लाठी रखा करते थे। There was a movie made, I think many people have seen it. It's called The Bible in the Beginning. देखिए एक फिल्म बनाई गई और मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोगों ने इसे देखा भी होगा और इस फिल्म का नाम था बाइबल इन द बिगिनिंग। एंड इट्स अ मूवी अबाउट द बुक ऑफ जेनेसिस अप टू द टाइम व्हेन अब्राहम इज कॉल्ड टू ऑफर हिज सन आइज़क। और ये जो फिल्म है इसमें उत्पत्ति से शुरू किया और अब्राहम को जब उसके बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा गया यहाँ तक की भाग जो है वो उस फिल्म में दिखाया गया है। सो इट्स इट गिव्स द होल दैट दोस चैप्टर्स इन अ नाइस मूवी फॉर्म। यानी ये इन अध्यायों को बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म के रूप में हमें बताता है। There's one scene in that movie. और इस फिल्म में एक सीन है। When Abraham talks to his son Isaac, जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बात करता है, he said, "Tell me the your genealogy." वो कहता है कि तू मुझे अपनी वंशावली को बता। And Isaac takes the rod in his hand. और इसहाक जो है अपने हाथ में लाठी को लेता है। And this was Abraham's rod. ये अब्राहम की लाठी थी। And there were so many markings on that rod. और उस लाठी के ऊपर में बहुत से चिन्ह लगे थे। And by looking at those markings, he was able to get the entire genealogy of Abraham's descendants. और उन चिन्हों को देखने के द्वारा वो अब्राहम के वंश के बारे में जो है पूरी वंशावली को वहाँ पर देख सकता था। In other words, I want to say that the rod of a person has his characteristics on that rod. दूसरे शब्दों में अगर किसी व्यक्ति की जो लाठी है उस लाठी में उस व्यक्ति का जो स्वभाव गुण है वो होता है, चरित्र होता है। When you see that rod, जब आप उस लाठी को देखते हैं, you know the person. तो आप उस व्यक्ति को जान जाते हैं। That's a very important meaning for us. इसका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा महान अर्थ होता है। God made us, the Bible says, in His own image. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता के अनुसार उसने हमें बनाया है। Man is like that rod. मनुष्य जो है वो तो उस लाठी के जैसे ही है। God, the Creator, is like the person holding that rod. सृष्टिकर्ता परमेश्वर उस व्यक्ति के जैसे हैं जो उस लाठी को थामे हुए हैं। God made man in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है। Man was covered with the glory of God. मनुष्य तो परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। And he didn't have any clothes, but that he was covered with the glory, and you could not see that he was naked. उसने हालांकि कोई कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था, और आप ये नहीं कह सकते थे कि वो वहाँ पर विवस्त्र ऐसा व्यक्ति था। He was shining, and he was covered with that beauty of God. वो तो चमक रहा था और वो परमेश्वर की सुंदरता के द्वारा बहुत ही तेजोमय था। And you can also say that when you saw that man, you could see God in that man. और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई इस मनुष्य को देखता तो निश्चित वो परमेश्वर को भी देख पाता था। Because he reflected the God's glory.
क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करता था and he was in the image of God. और वो तो परमेश्वर के स्वरूप में था. The day that Satan came into that garden and tempted Eve. और जिस दिन शैतान ने उस वाटिका में आकर वहां पर हवा की परीक्षा की, जिस दिन ऐसा हुआ एंड ही एंड हिज वाइफ दे फेल फ्रॉम गॉड्स ग्रेस. और आदम और उसकी जो पत्नी हवा थी, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी तरह नीचे गिर गए, समथिंग हैपेंड टू देम. तब उन्हें वहां पर कुछ हुआ. दे लॉस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड. वो परमेश्वर की महिमा को खो बैठे. दे सडनली रियलाइज्ड वी आर नेकेड. और उन्होंने अचानक ये जाना कि देखो, अरे हम तो विवस्त्र है. इस तरह से आदम और हव्वा ने जाना. Because the glory had departed. क्योंकि जो महिमा थी उन्हें छोड़कर चली गई थी. And they had to cover themselves. और उन्हें यहाँ पर खुद को ढांकना पड़ा था. Something else happened to them. यहाँ पर उनके साथ में और भी कुछ हुआ. Something entered into them. कुछ तो भी उनके अंदर प्रवेश करने लगा. Third was in Exodus chapter 4. और इसके बारे में हम यहाँ पर निर्गमन अध्याय 4 में देखते हैं. God said, cast it on the ground, that rod, and it became a snake, and Moses fled before it. परमेश्वर ने कहा कि उसे तू जमीन पर फेंक दे, और वो वहां पर सर्प बन गया, और मूसा उससे दूर भाग गया. What something very terrible happened on the day when Adam fell from God's grace. जिस दिन आदम परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर गया, उस दिन देखिए सच में बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरी बात हुई. Into Adam came a different nature. आदम के अंदर में अब एक बिल्कुल अलग ही स्वभाव आ गया था. The nature of a snake. और ये तो सर्प का स्वभाव था. Till then he was filled with the glory of God. He was an image of God. उस समय तक तो वो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, और मैं तो कहूंगा कि वो तो परमेश्वर के स्वरूप में ही था. But when he fell away from God. लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर चला गया, he looked like a man, the same man like before. वो तो पहले जैसे मनुष्य ही दिख रहा था. But inside there was the nature of a snake. लेकिन उसके भीतर में सर्प का स्वभाव आ गया था. As Moses cast down that rod, man also has fallen away from God. जैसे मूसा ने उस लाठी को नीचे फेंक दिया, बस उसी तरह से मनुष्य भी जो है वो परमेश्वर से दूर हो चुका था, चली गया था. And when that rod hit the ground, it became a snake. और जब वो लाठी नीचे जमीन पर टकराई, तो वहां पर बदल कर सर्प बन गई. And the same thing happened to man. When man fell away from God, the nature of a snake came into him. मनुष्य के साथ में भी ऐसे ही हुआ. जब मनुष्य गिर गया, तो उसके अंदर यहाँ पर सर्प का स्वभाव आ गया. The another word for that snake nature is called the old man or the man of sin. और यहाँ पर इस सर्प के स्वभाव के लिए एक और शब्द कहा गया, यह है पुराना मनुष्यत्व, या कह सकते हैं कि पाप का जो मनुष्यत्व वो है. And that nature of a snake causes man to go far away from God. और ये जो सर्प का जो स्वभाव है, इसी के कारण तो परमेश्वर से मनुष्य दूर चले जाता है. And that nature of that snake makes him commit sin, even if he doesn't, no one has to teach him how to sin. He will automatically sin. और जो सर्प का स्वभाव है, यही तो उसे पाप करने लगाता है. हालांकि वो पाप करना नहीं जानता, लेकिन अपने आप ही वो पाप करने लग जाता है. And you find nowadays how much of evil is increasing in the world. और आप इन दिनों में पाएंगे कि संसार में जो बुराई है, कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है. Because of that nature of a snake which has come inside man. क्योंकि मनुष्य के अंदर में यहाँ पर अभी जो सर्प का स्वभाव है, वो आ चुका है. Poisonous. ये तो बहुत ही जहरीला हो गया. Kill. ये तो सबको मारता है. Oh, you see so much of evil that is, you open the papers, it is full of evil going on. देखिए कितनी बुराई बढ़ती जा रही है. अगर आप अखबार भी खोले, तो आप देखेंगे कितनी बुराई फैल रही है. All over the world. पूरे संसार में. Because man is the same everywhere. क्योंकि मनुष्य जो है वो तो हर जगह एक सा ही है. You may be white, you may be black, you may be anything, but the nature is the same. चाहे आप गोरे हो, या फिर काले हो, या किसी भी रंग के हो, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो तो बस एक जैसा ही है. Maybe an Indian, a Chinese, an American, but you're the same nature that Adam got. शायद हो सकता है कि आप भारतीय हो, या चीनी हो, या फिर अमेरिकन हो, लेकिन आपके अंदर आदम का बिल्कुल वही तो स्वभाव है. And this is called the nature of a snake, the old man. और इसे सर्प का स्वभाव कहते हैं. ये तो पुराना मनुष्यत्व है. And this old man is causing so much of sin in the world. अब ये जो पुराना मनुष्यत्व है, ये इस संसार में बहुत सा पाप लेकर आ रहा है. And in these last days, और इन अंतिम दिनों में, this is going to increase. The nature of the snake is going to be more manifest. ये तो बढ़ते चले जाएगा. जो सांप का स्वभाव है, ये तो और ज्यादा प्रकट होगा. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 1 और 2 में हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं. This know that in the last days perilous times are coming, and men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, and so on. He gives so many characteristics. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ,
अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, संयम में कठोर होंगे, और यहाँ पर इस तरह से वो इसकी पूरी बड़ी सूची हमें देता है। Now, I'll tell you one very interesting story, incident which happened in the book of Numbers. अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गिनती की किताब में यहाँ पर हुई है। In Numbers chapter 21, गिनती की किताब अध्याय 21, the whole chapter is a story we can read yourself. ये तो पूरा अध्याय एक कहानी है, आप खुद इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं और इस कहानी को पूरी तरह से जान सकते हैं। The people of Israel were grumbling and mumbling against God. जो इस्राएली लोग थे वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। And it says God sent among them fiery serpents to strike them. और ये कहता है कि परमेश्वर ने उनके मध्य में जहरीले सर्पों को भेजा कि वो वहाँ पर उन्हें डस ले। And whomever the serpent bit, they died. और सांप जिन लोगों को भी काटते थे वो व्यक्ति मर जाता था। It was a terrible time for the people of Israel. ये तो इस्राएली लोगों के लिए बहुत ही भयानक ऐसा समय था। And they cried unto Moses and said, call out to God and ask him to remove this serpent. और वो मूसा के पास में आया और कहने लगे, परमेश्वर को पुकार और उसे विनती कर कि वो इन सांपों को दूर कर दे। God told Moses one thing. परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही। He said, make a pole or make a cross. उसने कहा कि एक खंभा बनाना या एक क्रूस बनाना। And make a snake out of brass. और एक पीतल का सांप तू बना लेना। And put that snake on that pole. और उस सांप को, पीतल के सांप को उस खंभे के ऊपर लटका देना। And whoever looks at that snake, they will not die from the poison. और जो कोई भी उस पीतल के सांप की ओर देखता है वो उस यहाँ पर काटे हुए सांप के जहर के कारण नहीं मरेगा। And many people who were bitten, they were looking at the snake and they were saved. और बहुत से लोग जो जिन्हें सांप ने काटा था वो उस पीतल के सांप की ओर देखते थे और वो बच जाते थे। And Jesus quoted this particular incident in the book of John chapter 3. और यीशु ने ये घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में यहाँ पर हमें बताई है। And he was talking about himself. वो तो यहाँ पर खुद के बारे में कह रहा था। In verse 14 and 15 it says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the son of man be lifted up. वचन 14 कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस तरह से वचन हमें बताता है। And verse 15 says that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. वचन 15 कहता है, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। It is so interesting to understand why on that pole a serpent was put. ये समझना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस खंभे के ऊपर में वहाँ पर सांप क्यों लटकाया गया था। The same thing which was killing the people was put on the pole. वही बात जो लोगों को मार रही थी उसी चीज को वहाँ पर खंभे पर लटका दिया गया। And brass, it was made out of brass. और वो तो पीतल का बना था। It means brass always speaks of judgment. और ये जो पीतल है हमेशा जो है न्याय के बारे में ही बताता है। Jesus said, as Moses put that serpent on the pole, I also will be lifted up. यीशु ने कहा, जैसे मूसा ने वहाँ पर उस खंभे के ऊपर में उस सांप को लटकाया वैसे ही मैं भी ऊंची पर चढ़ाया जाऊंगा। You can look at the serpent as sin. हम यहाँ पर सांप को पाप के रूप में देख सकते हैं। Sin has been destroying our lives. पाप जो है वो हमारे जीवन को नाश कर रहा था। That nature of sin is in us and so that is destroying us. पाप का जो स्वभाव है वो हम में था और वही तो हमें नाश करते जा रहा था। Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Now, Jesus said, I will be lifted up on the cross, just like Moses put the serpent on the pole. अब यीशु ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से मूसा ने उस सर्प को ऊपर उस पर उठाया था, खंभे पर उठाया था, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र यानी मैं भी उठाया जाऊंगा। Jesus never committed anything wrong. यीशु ने कभी कोई गलती नहीं की थी। He was absolutely holy, the Son of God, holy. वो तो पूरी तरह से पवित्र था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। Not one lie, not one cursing, not one bad thing. उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी किसी को नहीं कोसा, एक बार भी उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। How did he say that, like that serpent, I also will be put up? Did he mean that he is going to be like a serpent? और किस तरह से उसने कहा कि उस सांप के जैसे मैं भी ऊपर चढ़ाया जाऊंगा? इसका मतलब ये था कि क्या वो बिल्कुल सर्प के जैसे हो जाएगा? The Bible says. बाइबल इस तरह से कहती है। In 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में हमें बताती है। For God has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Jesus became sin. यीशु जो है वो तो पाप बन गया। He never committed sin. उसने कभी पाप नहीं किया था। It says he did not know sin. ये कहता है कि वो पाप को जानता ही नहीं था। But because of us, लेकिन हमारे कारण, to take that nature out of us, हम में से वो स्वभाव बाहर निकालने के लिए, to take that snake nature out of us, हम में से उस सर्प के स्वभाव को बाहर निकालने के लिए, he became sin. वो पाप बन गया।
In other words, he became the serpent. दूसरे शब्दों में वो सर्प बन गया. And he took the judgment of God upon himself. और उसने अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय को ले लिया. It's a very deep meaning. इसका बहुत ही गहरा अर्थ है. God loved us so much that he was willing to punish his only son for our sake. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को पूरी तरह से दंड दे दिया. And we who are being bitten by that serpent of sin, when we look upon Jesus on the cross, we will be saved. और हम लोग जिन्हें इस पाप के सर्प ने डसा था, जब हम उस यीशु को क्रूस के ऊपर देखते हैं, तो हम अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करते हैं. Just as Moses, when the serpent was put on the pole and people looked at the serpent, they didn't die from the poison. और जैसे मूसा के समय में जिन लोगों को सर्प ने डसा और वो उस खंभे पर के उस सांप को देखते हैं, तो उस जहर के कारण वो नहीं मरते थे. The same way, when we look at Jesus on the cross and we believe what he has done, we will not die, but we will have everlasting life. उसी तरह से जब हम यीशु को क्रूस पर देखते हैं, और तो हम अपने पापों के कारण मरते नहीं हैं, लेकिन हम लोग अनंत जीवन पाते हैं. When I say die, I don't mean physical death. I mean spiritual death. जब मैं मृत्यु कह रहा हूँ, तो ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन ये तो आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा हूँ. Because when we sin against God, our end is spiritual death. क्योंकि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, तो हमारा जो अंत है, ये तो आत्मिक मृत्यु है. That snake nature will lead you to hell. और ये जो सर्प का जो स्वभाव है, वो आपको नरक की ओर लेकर जाता है. That is called everlasting punishment in hell. That is called spiritual death. और इससे ही तो नरक में अनंत काल का दंड कहते हैं, और यही तो आत्मिक मृत्यु है. इस तरह से वचन हमें बताता है. But God loves us so much. लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है. He was willing to put his only begotten beloved son Jesus Christ to the cross and put judgment on him. वो तो तैयार था कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पर चढ़ाए, और जो भी न्याय था, सबका सब न्याय वो उस यीशु पर उंडेल दे. And those who look upon him, see what 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says. देखिए जो उसकी ओर देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 क्या कहता है. If any man is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things have become new. इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है. This is what happens when you look upon Jesus and believe in him and receive him, you become a new person. और यही तो होता है, जब आप यीशु की ओर देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब आप अपने जीवन में पूरी तरह से एक नए व्यक्ति हो जाते हैं. All the old things have passed away. पुरानी सारी बातें बीत गई है. The snake nature has been removed from you. जो पाप का स्वभाव है, वो आपसे दूर किया जाता है. All things have become new. सब कुछ बिल्कुल नया हो जाता है. You become like how before the fall of Adam, how it was, you become to that level again. मनुष्य पतन के पहले जैसे था, आदम पतन के पहले जैसे था, बिल्कुल आप उसी दशा में वापस पहुंच जाते हैं. You will become the sons and daughters of the living God. आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं. We say two more interesting things about this rod. और इस लाठी के बारे में हम दो और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताएंगे. In Exodus chapter 4 verse 17. निर्गमन अध्याय 4 वचन 17 में हम देखते हैं. It says, take the rod in your hand and you shall do signs and miracles with that rod. ये कहता है, इस लाठी को तो उठा और इसके द्वारा तो चिन्ह और चमत्कार करते जा. Amazing. ये तो अद्भुत है. This rod had become a snake before. ये लाठी जो पहले एक सर्प बन चुकी थी. Now this rod, he says, you will do miracles with that rod. और अब परमेश्वर कहता है कि इस लाठी के द्वारा तू चमत्कार करते जाएगा. When God touches your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करता है. When that snake nature is removed from you, जब वो सर्प का स्वभाव आप में से निकाल दिया जाता है. And when you walk with God, जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं. Through your life, he will do miracles and he will touch people through your life. आपके जीवन के द्वारा वो चमत्कार करेगा, और आपके जीवन के द्वारा वो बहुत से लोगों को स्पर्श करेगा. Previously living like a snake nature, but now God is doing miracles through the same person. पहले आप बिल्कुल सर्प के स्वभाव के साथ में जी रहे थे, लेकिन अभी परमेश्वर उसी व्यक्ति के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा बहुत से चिन्ह और चमत्कार करते जाएगा. And one more thing happened. और एक और बात हुई. To the same rod. उसी लाठी से. In verse 20. वचन 20 में देखिए. Second part of the verse says, and Moses took the rod of God in his hands. और यहाँ पर दूसरे वचन में कहता है कि मूसा ने परमेश्वर की लाठी को अपने हाथ में उठाया. वचन कहता है. Amazing. ये तो बहुत अद्भुत है. Initially it was the rod of Moses, his own rod. ये तो शुरू में मूसा की लाठी थी, उसकी खुद की लाठी थी, लेकिन अब बदल गई थी. And it has become so transformed, that rod, it has become the rod of God. और ये जो लाठी है, इतनी बदल गई कि ये अब परमेश्वर की लाठी कहलाने लगी. When God touches your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को छू लेता है. When he removes that snake nature, जब वो सर्प के
स्वभाव को निकाल देता है। As you grow in the knowledge of God, जैसे आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं, you will become a man of God, तो आप परमेश्वर के जन हो जाते हैं, you will become a servant of God, आप परमेश्वर के दास हो जाते हैं, you will become a rod in the hand of God, आप परमेश्वर के हाथों में लाठी हो जाते हैं, and he will use you for mighty things in your life, और आपके जीवन में महान सामर्थ्य कामों के लिए वो आपका उपयोग करते जाएगा। God wants to touch people, परमेश्वर लोगों को स्पर्श करना चाहता है। God wants to save people, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। And he will use you as a rod in his hand to touch people's lives, और लोगों के जीवन को छूने के लिए वो आपको अपने हाथ में लाठी के जैसे उपयोग करते चले जाएगा, आपको उपयोग करेगा। The nature of snake has left you and you become a person God is doing miracles and finally you become a mighty man of God, सर्प का स्वभाव है वो तो आपको छोड़कर चला गया है और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत महान काम करते जाता है और अंत में निश्चित परमेश्वर के लिए आप एक बहुत ही महान दास हो जाएंगे। If you look at your own life, अगर आप अपने ही जीवन को देखते जाएं, do you find the nature of a snake inside you? क्या आप अपने अंदर में सर्प के स्वभाव को देखते हैं? Are you finding yourself always committing sin? क्या आप देखते हैं कि हमेशा आप पाप करते जाते हैं? Are you addicted to some bad habits? क्या आप किसी तरह की बुरी लतों के आदि हो चुके ऐसे व्यक्ति हैं? Are you watching bad things on the net and on the papers and magazines? Are you looking at bad things? क्या आप इंटरनेट के ऊपर या मैगजीन में या अखबारों में कुछ गलत चीजों को देखते चले जाते हैं? क्या आप बुरी चीजों के आदि हैं? In other words, are you addicted to bad things? दूसरे शब्दों में क्या आप इन सारी बुरी बातों के आदि हो चुके हैं? Maybe drinking, smoking and other things, drugs, anything. शायद हो सकता है शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स या कोई भी और भी ऐसी बातें होती हैं जिसके आप आदि हैं। That's the nature of a snake. ये तो सर्प का स्वभाव है। The old man of sin that is inside you. ये तो पुराना मनुष्यत्व है पाप का जो आपके अंदर है। Why don't you come to Jesus Christ today? क्यों न आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाएं? Look upon Jesus who died on the cross for you. उस यीशु की ओर देखें जो क्रूस पर आपके लिए मर चुका है। He will transform you. वो आपके जीवन को बदलेगा। He will remove that snake from your life. वो आपके जीवन से उस सर्प के स्वभाव को दूर कर देगा। You will overcome all those weaknesses. आप इन सारी कमजोरियों के ऊपर में जयवंत हो जाएंगे। Will you pray with me now? क्या आप मेरे साथ अभी प्रार्थना करेंगे? Don't put it off for tomorrow. इसे आप कल के लिए न छोड़ दें। Today make the decision. आज ही आप ये निर्णय ले लें। Pray with me sincerely. मेरे साथ में ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, आई बिलीव यू बिकेम सिन ऑन द क्रॉस फॉर मी। मैं विश्वास करता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे लिए पाप बन गया। यू हू नेवर न्यू सिन बिकेम सिन फॉर माई सेक। तू जो कभी पाप को नहीं जानता था वो तू मेरे लिए पाप बन गया। आई बिलीव दैट यू आर द सन ऑफ। मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। दैट यू डाइड ऑन द क्रॉस फॉर माई सेक। कि तू मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। यू पेड द प्राइस फॉर माई सिन। तूने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है। You died on the cross and you rose again on the third day. तू क्रूस पर मरा और तू तीसरे दिन फिर से जी उठा है। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। Remove this nature of a snake from me. मेरे अंदर से इस पाप के स्वभाव को, सर्प के स्वभाव को दूर कर। Make me a new person. मुझे एक बिल्कुल नया व्यक्ति बना दे। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु, तू मेरे दिल में आ जा। Transform my life. मेरे जीवन को तू बदल दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. I'll just pray for your sicknesses. मैं आपकी बीमारी के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I pray for those who are watching me. पिता, मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Heal them of every sickness they have. इनकी हर एक बीमारी से प्रभु तू इन्हें चंगाई दे। Set them free from every infirmity. हर एक कमजोरी से इन्हें तू पूरी तरह से आजाद कर। I rebuke that spirit of sickness. मैं बीमारी की इस आत्माओं को अभी इसी समय यीशु के नाम में डांटता हूँ। I break every curse upon your life. इनके जीवन पर के हर एक श्राप को मैं तोड़ता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen.